नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपी टेक स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो मेरे चैनल पे आपने एक्सेल की, वीवीए की, डैशबोर्ड्स की, पावर बीआई की बहुत सारे वीडियो देखे हैं। अब जो वीडियो हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं पैथन के ऊपर। तो आज हम एक प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे कि पैथन से डेटा एक्सेल पे कैसे भेजें। वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में बहुत सारे आपने ऐसे एक्सेल के कोड देखे होंगे जो कि हम एक्सेल एक फॉर्म से डेटा हम शीट पे बना रहे हैं, लेकिन वो सारे के सारे एक्सेल फॉर्म पे ही वर्क करते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि एक प्रोग्राम बनाने का, एक डेटा एंट्री प्रोग्राम बनाने का जो कि मेरे एक्सेल में डेटा को भेजेगा। जैसे यहाँ पे देखिए कि मैंने इसको रन किया, यहाँ पे फॉर्म आया, यहाँ पे नाम फिल कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ देव सिंह, मोबाइल नंबर मैं अपना ही डाल देता हूँ 8868268093, और ईमेल आईडी भी मैं अपना ही डाल देता हूँ kumar@ibtindia.com। और यहाँ पे जस्ट सबमिट पे क्लिक किया, सबमिट पे क्लिक करते ही आपका डेटा सेव हो गया। डेटा क्या हो गया? सेव हो गया। अब एक्सेल फाइल में जाके देखते हैं मेरा एक्सेल फाइल जो मैं बनाया हाँ हुआ है वो हुआ कि नहीं। तो यहाँ हम पीडी नाम का एक्सेल फाइल यहाँ दिख सकता है, आ गया तुरंत, जस्ट एडिट हुआ है। सो डबल क्लिक कीजिए, यहाँ देख वेद कुमार सिंह, ये आपका आज ऑल। तो चलिए इस तरह की हम कैसे प्रोग्रामिंग में कैसे बनाएंगे इसके ऊपर हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले एक सूचना है, हमारी आज रात में 9 बजे पैथन क्लासेस की डेमो क्लास शुरू होने वाले हैं। आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको मेरी वेबसाइट पे जाना होगा जहां पे डेमो क्लास का फॉर्म भरना होगा। तो क्या है इस कोर्स में, चलिए इसके बारे में बताता हूँ, फिर टॉपिक बताऊँ। तो आज जो है हम बात करेंगे अपने पैथन कोर्स के बारे में। मेरा एक पैथन ग्रुप बैच स्टार्ट हो रहा है सुबह 6 बजे 3 अक्टूबर से। जी हाँ, आज 30 तारीख है, आज सुबह 6 बजे इसकी डेमो क्लासेस थी, लेकिन डेमो क्लासेस आज रात को शिफ्ट हो गई है। कुछ बच्चों ने बोला कि सर मंथ एंड है तो ऑफिस जल्दी जाना है, इसलिए आज रात को 9 बजे डेमो क्लासेस शिफ्ट हो चुकी है। तो इसके अंदर में आपको कंप्लीट कोर पायथन मिलेगा। पायथन की जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो बताई जाएगी, डेटाबेस कनेक्टिविटी, डेटा साइंस और पांडास के बारे में, मैटप्लोटलिब के बारे में और नंपी पाई के बारे में बताया जाएगा। ये तकरीबन 35 के आदेश के आसपास क्लास होगी। एवरेज ड्यूरेशन जो है एवरेज है, ये आपका बढ़ सकता है घट सकता है, डेली 1 घंटा ये चलेगा। और डेमो क्लास फिल करने के लिए आप यहाँ पे pi.iptindia.com पे जाइए, वहां आप डेमो क्लास फिल कर सकते हैं। ऐसे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, डेमो क्लास का फिल कर दीजिए। 8:55 पे आपको टीम्स का लिंक आ जाएगा और 9 बजे हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी। अगर आपको ठीक लगता है कि हाँ मेरी ट्रेनिंग, मेरी बातें आपको समझ में आ रही है, आपको लग रहा है कि मेरे साथ आपको सीख सकते हैं, तो मेरी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं मंडे से, जिसकी फीस मात्र 2,000 रुपये है। 1-to-1 क्लास की फीस 40,000 है, लेकिन जब ग्रुप क्लास ज्वाइन करते हैं तो उसकी फीस कम जाती है, क्योंकि ग्रुप में कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो फटाफट फॉर्म भरिए और आगे बढ़िए। तो चलिए सबसे पहले तो हम अपनी एक्सेल फाइल बनाते हैं जहां पे डेटा मुझे डालना है। तो हमने यहाँ पे एक नई एक्सेल फाइल ली, उसमें हेडिंग हम यहाँ डाल देते हैं, यहाँ पे छोटा सा बना रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगा तो दिक्कत हो सकती है। तो नेम, सिटी और अमाउंट, सिंपल सा नेम सिटी अमाउंट, नेम सिटी अमाउंट। और इस फाइल को मैंने सेव कर देता हूँ, मोर ऑप्शन में जाता हूँ, री ड्राइव, और यहाँ पे P टू एक्स के नाम से हम सेव करें। उसके बाद फिर हम आते हैं VS कोड पे, यहाँ पे आते हैं, एक नई बनाते हैं सॉफ्टवेयर और उसका नाम लिखते हैं हम डेटा एंट्री फॉर्म DEF डॉट
बी वाई, खुल गया। अब यहां सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होगी। तो लाइब्रेरी कौन सा इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट, और इंपोर्ट में लिखना है यहां पे सेम इस लेटर में, स्मॉल मत कीजिएगा, पी वाई सिंपल जी आई जी आई जी यू आई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एज ए, हमने इसका नाम लिख दिया एस जी शॉर्ट में, या कुछ और भी दे सकते हैं। बट ये अगर आपके पाइथन में अगर ये नहीं है तो फिर नीचे आइए वीएस कोड का, यहाँ लिखिए पिप इंस्टॉल और ये डाल के एंटर मारिए, ये इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन मेरे पास तो ऑलरेडी इंस्टॉल है तो यहाँ जरूरत नहीं है। अब एक्सेल फाइल के साथ डील कर रहा हूं तो मुझे पांडास को देना ही पड़ेगा, इम्पोर्ट पांडास एज ए पीडी। अब आपके सिस्टम में पांडा नहीं है तो क्या करेंगे, सेम यहां लिखेंगे पिप इंस्टॉल पांडा, ये आपका इंस्टॉल हो। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इसने जैसा वैसा छोड़ दिया। दो चीज हमने यहां पे किए, दो लाइब्रेरी चाहिए हमें। अब हम यहां पे एस जी लिखते हैं कि एस जी जो मेरा ग्राफिकल इंटरफेस है, जो फॉर्म होगा उसका थीम क्या होगा, तो इसका थीम, और इस थीम में हमने बहुत सारे थीम है लेकिन मैं लिखता हूं डार्क टी 19, एक कलर कोड है। अब यहां पे मुझे अपना एक्सेल एक्सेल फाइल वाले चाहिए तो मैं यहां पे क्या किया, एफ एल एक्सेल फाइल इक्वल टू, अब इसके अंदर एक्सेल फाइल चाहिए। अब जो मेरा एक्सेल फाइल है पी टू एक्स, इसकी पाथ में यहां जाकर इसकी कॉपी कर लें। अगर सेम लोकेशन में है तो जरूरी नहीं है, मतलब कि जिस लोकेशन में आपका डी एफ डॉट पाई है उसी लोकेशन में अगर आपकी एक्सेल फाइल है तो एक्सेल फाइल का नाम लिख लीजिए। बट मेरा डिफरेंस लोकेशन में है तो हम इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल दें, चल गए। अब यहां पे हमें एक्सेल फाइल को रीड भी तो करना है, तो रीड करने का काम तो पांडा करेगा। ऐसे एक डी एफ इक्वल टू हम करते हैं पी डी, तो पांडास का शॉर्ट फॉर्म है डॉट रीड एक्सेल, और रीड एक्सेल में हम एफ एल को कॉल कर लें, सिंपल। अब मुझे अपना फॉर्म का लेआउट बनाना चाहिए, लेआउट के लिए हम एल वेरिएबल लेते हैं इक्वल, और इस तरह का एक बॉक्स ओपन करते हैं, तो कई सारी चीजें चाहिए, और इसके अंदर में हमें चाहिए सबसे पहले तो ऊपर लिखना आना चाहिए डेटा एंट्री फॉर्म, यहां पर लिख दिया एस जी डॉट टेक्स्ट, और इसके अंदर मैंने डाल दिया डेटा एंट्री फॉर्म। फिर इसके बाद यहां पे कॉमा दिया, कॉमा देने के बाद यहां पे अगेन ब्रैकेट लेते हैं, यहां पे लिखते हैं एस जी डॉट टेक्स्ट, और टेक्स्ट पहले क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब हम लिखेंगे उसका नेम लिखना पड़ेगा ना, कि नेम, यहां नेम, और नेम के बाद यहीं पे कॉमा करेंगे कॉमा। अब इसकी इसकी साइज भी देना है कि नेम का साइज साइज भी होना चाहिए, तो इसी के अंदर आप दे दीजिए कॉमा करके कॉमा साइज, और साइज में मैं 5 दे देता हूं, 5.1 कर दिया। और ये नेम को यहां पे कवर कीजिए, इसको ब्राइट, ठीक है। और यहां क्योंकि नेम के जस्ट बाद मुझे एक इनपुट बॉक्स चाहिए, तो यहीं पे लिखता हूं एस जी डॉट इनपुट टेक्स्ट नीचे है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, और यहां पे हम इसको ब्रैकेट में की। अब की आपका वही होगा जो आपका कॉलम नेम होगा, तो मेरा कॉलम नेम क्या है, तो नेम। अब यहां पे इसको हम कॉमा कर, अब मुझे इसी तरह से तीन तीन चाहिए, नेम सिटी और अमाउंट, नेम सिटी और अमाउंट, यहां पे नेम सिटी, नेम यहां पे नेम को कर देते हैं सिटी,
स्पेलिंग और साथ में केस भी सेम होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे नेम के जगह पे अमाउंट अमाउंट, और यहां भी हम अमाउंट, उसके बाद मुझे सबमिट बटन चाहिए यहां पे। एस जी डॉट सबमिट ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसी में बगल में मुझे एग्जिट भी चाहिए, तो एस जी डॉट एग्जिट। ई बड़ा होना चाहिए एग्जिट ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहां पे हमारा एक हदफ है। अब यही पे लिखते हैं डब्लू इक्वल टू, ऐसे तो डब्लू वेरिएबल ले लिया यहां पे, कि एस जी डॉट विंडो विंडोज, और इसके अंदर में हम लिख देते हैं टाइटल, जो ऊपर टाइटल लिखा हुआ आएगा फॉर्म के, डेटा एंट्री फॉर्म, और इसी में कॉमा एल दे देते हैं, क्योंकि ये जो एल है उसी हिसाब से क्रिएट होगा। तो यहाँ पे फॉर्म आपका क्रिएट हो गया। जैसे यहाँ पे रन कीजिएगा, तो फॉर्म नहीं आया, आ जाएगा, बीच में से एक कोड और डालना, इसमें कहीं कॉमा वगैरह तो नहीं छूटा होगा ना, देख लीजिए। अब यहां पे मुझे लगाना होंगे इफ कंडीशन, वाइल के अंदर, वाइल वाइल में हमने दिया ट्रू, जब तक ट्रू है तब तक क्या हो। तो मैंने यहां पे दो निकाला, एक इवेंट और एक हमारा वैल, ई और वी के नाम से हमने बोला, यहां पे बोला कि डब्ल्यू डॉट रीड, तो डब्ल्यू कौन सा है, ये हमारा विंडोज, एस जी डॉट विंडोज, विंडोज को रीड करो, और फिर यहां पे हमने लगाया कंडीशन कि इफ E इक्वल टू एस जी डॉट विन क्लोज, विन यहां पे एस जी डॉट विन क्लोज, और विन कैपिटल में लिखिएगा तो आ जाएगा विन क्लोज, और E अगर हो एग्जिट तो क्या है, यहीं पे ब्रेक आ गया, तो कुछ नहीं करना है ब्रेक, और फिर यहां पे हमने लगाया अगेन इफ इफ इफ, और यहां पे बोला कि आपका ई इक्वल टू क्या हो सबमिट सबमिट, तो क्या हो, तो सबसे पहले हम बोलते हैं df इक्वल टू df डॉट अपेंड, df df कौन सा पांडास का कॉल कर रहे हैं, डॉट अपेंड, क्योंकि हमें वैल्यू अपेंड करानी है, अपेंड आएगा नहीं लिस्ट में, मैनुअल लिखना हो, तो अपेंड के अंदर हमने बोला किसको अपेंड करना है, वी को करना है, और यहां पे हमने लिखा इग्नोर इंडेक्स इक्वल टू ट्रू, ट्रू को कैपिटल होना चाहिए, ट्रू पहला, फिर
यहां पे अगेन बोला डी एफ डॉट टू एक्सल, ये भी आपको लिखना पड़ेगा, लिस्ट में नहीं आएगा। और यहां पे मैंने एफ एल को लिया कॉमा इंडेक्स इक्वल टू, मैं फॉल्स कर देता हूं, ट्रू भी कर सकता हूं। और फिर यहां पे एस जी डॉट पॉपअप और यहां पे मैसेज कर दिया सेव डेटा। अब इसके बाद हम यहां इसके बाद फिर वापस आते हैं, वाइल से बाहर निकलते हैं और सीधे लिखते हैं डब्ल्यू डॉट क्लोज, तो विंडोज है वो क्लोज हो जाए पॉपअप के बाद। ये कोडिंग मेरी बिल्कुल बन चुकी है। अब इसको एक बार रन करते हैं, आ गया। अब यहां पे हम नाम लिखते हैं, जैसे नाम में मैंने लिखा पूजा, सिटी में लिखता हूं मैं दिल्ली और अमाउंट लिखता हूं 100 और इसको सबमिट भी क्लिक किया तो सबमिट हो गया, क्योंकि पॉपअप नहीं दिया कौन सा एस जी पॉपअप सेव डेटा। चलिए तो डेटा देखते हैं कि क्या डेटा में स्टोर हुआ कि नहीं हुआ डी ड्राइव के अंदर एसएल पाइथन एक्सेल की टू एक्स में। एक मिनट, पूजा तूने डेटा से, और इसके बाद हम आते हैं डेटा में, वो एक्सेल फाइल खुली हुई थी इसलिए बिल्कुल सेम हो गया पूजा पुणे और फाइल। अब इसमें दूसरा डालते हैं, यहाँ पे दूसरा मोहन इंदर और सेवन सबमिट किया जैसे, फिर आपको खुल के देखिए फाइल खुला रहेगा तो नहीं ना डेटा चेंज होगी होगी, इसको हमें खोल के देखना होगा और बिल्कुल आप देखिए पूजा मोहन और इंदर 700। इसमें और भी चीजें की जा सकती है, उसके लिए तो टाइम देना पड़ेगा, जैसे कि सबमिट करने के बाद ये ब्लैंक हो जाए और इसके बाद इसको ईएक्सई फाइल में बनाना है, इसका एक बड़ा सा फॉर्म बनाना है जहाँ पे मेरा पॉपुलेशन ये पॉपुलेट वगैरह हो जाए कि ड्रॉप डाउन करूँ तो वहाँ पे ड्रॉप डाउन वगैरह चेकबॉक्स वगैरह ऐसी चीजें भी लगाई जा सकती है। तो इस तरह की पूरी सीखने के लिए आप हमारी लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे कॉल कीजिए, आज रात को 9 बजे स्टार्ट हो रहा है, डेमो क्लास का फॉर्म भरिए। थैंक यू।